भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रभारी नियुक्त होते ही कृपा शंकर सिंह ने राजनैतिक सक्रियता तेज कर दी है। आज उन्होंने पुणे प्रवास के दौरान नई मुंबई का दौरा किया और उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत के आवास पर हुई इस औपचारिक मुलाकात में हिंदी भाषी नेता कृपा शंकर सिंह ने उत्तर भारतीयों में जमकर जोश भरा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मनपा चुनाव में उत्तर भारतीय कार्यकर्ता अपनी एकजुटता से बीजेपी को नई मुंबई में सत्ता दिलाएंगे और शिवसेना को करारा जवाब देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें उत्तर जुड़ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तर देती रही। उत्तर भारतीय मिल गए तो और उत्तर बढ़िया होगा। कभी कभी उत्तर भारतीय प्रश्न को समझने में आगे पीछे करता था, इस बार सब समझ गए हैं। कोरोना काल में जो दुर्गत हुई है, जिन ढंग से लोगों को सीमेंट की उसमें बैठ के जाना पड़ा, ट्रक में जाना पड़ा, ऑटो रिक्शा जाना पड़ा, इस सरकार को तो मतलब खाली भगाने का था, इसी बहाने उत्तर भारतीय भाग जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से घर घर जाके, हमारे जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत जी, मुझे एडवोकेट रमेश त्रिपाठी हों या राजन पांडे हों या राजेश राय हों, इन सब लोग हमारी बात होती थी। लोगों के घर पे सैनिटाइजर बांटना, ये मास्क भेजना, खाना नहीं तो राशन भेजना, ये सब जो हुआ है तो लोग ध्यान रखे, भूलते नहीं हैं। इसलिए उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। आने वाले समय में नतीजे जब आएंगे तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। इस अवसर पर कृपा शंकर सिंह ने उत्तर भारतीय मोर्चा के नई मुंबई जिलाध्यक्ष राजेश राय के कार्यालय में भी सदिच्छा भेंट दी, जहां उनका सत्कार किया गया। यहां प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय ने कहा कि कृपा शंकर सिंह के आने से बीजेपी के उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है, इससे संगठन में मजबूती आएगी, जिसका असर मनपा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ये नई मुंबई के उत्तर भारतीय समाज के लिए बड़ा गौरव का दिन है कि जब आदरणीय संजय पांडे जी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उनका भी पहला दौरा नई मुंबई का था, और आज जब आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो हमारा सौभाग्य है कि आज पहला दौरा उनका नई मुंबई में हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले संजय उपाध्याय जी जो हमारे प्रभारी थे, फिर संजय पांडे जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में यहाँ से लेकर यूपी तक किस तरह सक्रिय काम हो रहा है और जिसका रिजल्ट सबको मिल रहा है, इसीलिए आज महाराष्ट्र में 58 जिलों में उत्तर भारतीय मोर्चा स्थापित हो चुकी है। ये दिखाता है कि सब में कितना जोश है। और आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी के बारे में कुछ बोलना छोटी बात होगी, सभी लोग जानते हैं। आज उनके आने से एक एक कार्यकर्ता इतना उत्साहित होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि कितने लोग वापस से उत्तर भारतीय मोर्चा भाजपा में मतलब कि प्रवेश करेंगे, ये आने वाले वक्त बताएगा। बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जो भी अपने बाकी विपक्षी पार्टी है जो उनको लगता है कि मतलब कि हमारा इतनी सीट आ जाएगी। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि हमारे नेता कृपा शंकर सिंह जी, आदरणीय संजय पांडे जी, आदरणीय संजय उपाध्याय जी जब अपना दौरा करेंगे तो उनकी सबकी सब गणित फेल हो जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।